द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के टीपू सुल्तान मतलब संजय खान के लड़के जायद अब्बास खान। ये दास्तां है जायद खान की। जन्म हुआ 5 जुलाई सन 1980 में। पिता संजय खान, माँ जरीन खान, मशहूर मारो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर फिरोज खान के भतीजे और इनके चचा अकबर खान भी फिल्मों में काफी काम कर चुके हैं। इनके पिता एक मुसलमान और माँ एक पारसी। 4 बच्चों में जायद खान सबसे छोटे हैं। इनकी 3 बड़ी बहनें हैं, सिमोन खान, फराह खान, सुजैन खान और चौथे नंबर पर ये इनके फर्स्ट कजिन फरदीन खान भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जायद खान वेलहम बॉय स्कूल देहरादून में गए पढ़ाई करने के लिए और फिर पहुंचे कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल कोडाईकनाल में। इनके बचपन की दोस्त हैं ऐशा दयाल और मलाइका पारेख। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने से पहले जायद खान एक बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा मॉन्टगोमरी कॉलेज में और फिर लंदन फिल्म अकेडमी में ये फिल्म मेकिंग भी सीख कर आए। और सन 2003 में जायद खान ने सिल्वर स्क्रीन पे आग लगाने की ठान ली और इनका डेब्यू हो गया फिल्म का नाम चुरा लिया है तुमने। 2004 की फिल्म आई मैं हूं ना जिसमें इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई और इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता फिल्म फेयर का। यह अमृता अरोड़ा के साथ नजर आए थे म्यूजिक वीडियो में। नाम था डिस्को 82 रीमिक्स। 2005 के आते आते जायद खान ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अर्जुन रामपाल और अमीषा पटेल के साथ नजर आए ये फिल्म वादा में। उसके बाद आए शब्द में। हालांकि रोल जो है फोटोग्राफी प्रोफेसर का था पर जायद खान ने कहा कि मैं ये रोल इसलिए करूंगा क्योंकि इस फिल्म की हीरोइन ऐश्वर्या राय है। फिर आए अनुभव सिन्हा की फिल्म 10 जहाँ पे इन्होंने पुलिस वाले का किरदार निभाया। फिर शादी नंबर 1, फाइट क्लब, रॉकी द रिबेल इन सारी फिल्मों में नजर आए और इन्होंने बताया कि बहुत सारे सीन्स इन्होंने खुद लिखे थे। फिर कुछ फिल्में चलीं, कुछ फिल्में नहीं चलीं। ये नजर आते रहे फिल्मों में, कभी सलमान खान, कतरीना कैफ और अनिल कपूर के साथ जैसे कि फिल्म युवराज, तो कभी अपूर्व लाखिया की फिल्म मिशन इस्तांबुल में जिसमें इनके सामने थे विवेक ओबेरॉय। इन्होंने कुछ हटके नेगेटिव शेड के किरदार भी निभाए जैसे कि फिल्म अनजाना अनजानी में। फिर खुद की फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू की और फिर इन्हें समझ में आ गया कि चलो अब शादी करते हैं। इन्होंने अपने हाई स्कूल की फ्रेंड मलाइका पारेख के साथ शादी कर ली। तारीख 20 नवंबर सन 2005। ये दोनों कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ते थे। मलाइका पारेख की मम्मी क्रिस पारेख एक अंग्रेज हैं। मलाइका पारेख को ज्वेलरी बिजनेस में खासी दिलचस्पी है और इनकी बकायदा ट्रेनिंग भी हुई है। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा जिदान, और दूसरा बेटा हुआ उसका नाम रखा गया आरएस। और सन 2008 में ऐसा माना गया कि जायद खान ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है क्योंकि ये अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जायद खान एक निहायत स्मार्ट हीरो बन के आए थे और हमेशा इनकी स्मार्टनेस ऑडियंस के जहन में रहेगी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।